मॉड्यूल सेवेंटी ट्रीटमेंट ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर फार्माकोलॉजिकल एंड बिहेवियल मैनेजमेंट जब भी एक बच्चा आपके साथ कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ आएगा तो यू नीड टू बी फाइंड आउट आदर वी नीड टू बी गो फॉर द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नॉट सर्टन टाइम ये बच्चे जो होते हैं ये डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं एंड दे व डिसाइडेड वेदर दे विल गो फॉर द मेडिकेसन और नॉट सर्टन टाइम जब ये बच्चे आपके पास डायरेक्ट आ जाएँ ड टू बी आईडेंटिफाई वेदर देयर इज़ अ नीड फॉर द मेडिकेशन और नॉट ठीक है तो उसके लिए आपको इनको साइकेट्रिस्ट को रेफर करना होता है यूजली जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर एंटी साइकोटिक्स यूज़ की जाती हैं मूड स्टेबलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं एंटी अपलैप्टिक्स यूज की जाती हैं एंटी डिप्रेसेंट यूज़ की जाती हैं लेकिन डेफिनेटली इसमें आपका आ, कोई रोल नहीं है आपने इनमें से कोई चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं करनी बट यू शुड नो ये जो हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये हो सकती हैं लेकिन ये काम साइकेट्रिस्ट का है यू जस्ट नीड टू बी रेफर दैम बेसिकली चूँकि इनके अंदर एंगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इसलिए सर्टन टाइम आप साइकोलॉजिस्ट uh, को ये फील होता है कि विदाउट गिविंग सम सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन ये जो बच्चा है वो उनकी बात नहीं सुन सक रहा या नहीं सुन पा रहा या उसका एंगल लेवल इतना ज़्यादा है कि वो विदाउट मेडिकेशन जो है वो मैनेजेबल नहीं है तो उस वक्त जो है साइकोलॉजिस्ट ऐसे बच्चे को साइकेट्रिस्ट के पास रेफर कर सकती है फॉर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन हेल्प जो साइकोलॉजिस्ट uh, के करने का काम है उसमें हम बिहेवियर थेरेपी जो है वो यूज़ करते हैं बिहेवियर थेरेपी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनका चूंकि एंगर का है इसलिए हम एंगर मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं एंगर मैनेजमेंट में हम एंगर रिड्यूसर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं जिस तरह मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ का जिक्र किया है कि हम ए बी सी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि एंटिडेंट इवेंट क्या था बिहेवियर क्या था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले तो इसको बेसिकली बच्चे को हम ए बी सी का जब हम चार्ट देते हैं तो उसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चा इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके कि किन सिचुएशंस के अंदर उसका एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो एग्ज़िबिट होना शुरू होता है तो जैसे ही उसको ये पता चल जाएगा कि उसके कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि उसको प्रवोक करते हैं तो वो एंगर रिड्यूसर्स की तरफ़ जाना शुरू करेगा अब एंगर रिड्यूसर्स क्या हैं जैसा हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि जैसे ही उसको पता चले कि ऐसी सिचुएशन है जो उसको प्रोवोक कर सकती है तो वो डीप ब्रीदिंग करे वो बैकवर्ड काउंटिंग करे वो अपने आप को कोपिंग स्टेटमेंट्स दे कि आई कैन बी आई कैन मेक माई सेल्फ काम ड्यूरिंग द सिचुएशन तो इस किस्म के जो एंगर रिड्यूसर्स हैं वो बच्चा जो है वो यूज़ कर सकता है देन सेल्फ एवेल्यूशन उस सिचुएशन को गुजरने के बाद वो देखे कि वैदर उसका जो बिहेवियर था वो एग्रेसिव था या नहीं था अगर एग्रेसिव नहीं था तो ही और शी शुड से हिम और हर सेल्फ वेल डन आई हैव मैनेज माय मूड और अगर ऐसा नहीं था और वो मैनेज नहीं कर पाया तो वो अपने आप को uh, जो भी उसका बिहेवियर था उसे अवेल्यूट करे और अपने आप को ये सेल्फ स्टेटमेंट दे कि आई विल ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम टू मेक माई सेल्फ काम तो जो सेल्फ एवेल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन क्रिएटिंग द इनसाइट इनटू द पर्सन के वेदर उसने कामली बिहेव किया कि नहीं किया अगर उसने कामली बिहेव किया तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट उसके अंदर डेवलप होगी और अगर उसने कामली बिहेव नहीं किया तो वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे आ, कोशिश करेगा ओवरकम करने की देन सोशल स्किल ट्रेनिंग जो है वो इन बच्चों को दी जाती है क्योंकि इनके अंदर बेसिकली सोशल स्किल्स जो हैं वो डाफेसिट हो रहे होते हैं तो इसके अंदर मोस्टली तो बच्चों को रोल प्ले कराया जाता है उनको बताया जाता है कि किस तरह उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना है जो थारपस्ट है वो उनका फ्रेंड का रोल प्ले कर सकता है और जो बच्चा है वो अपने अपने डायलॉग्स जो है वो उसके साथ एक्सचेंज करेगा और जिसकी हेल्प से जो थारापिस्ट है वो बच्चे को बताएगा कि किस तरह उसने बेटर कम्युनिकेशन uh, करनी है सोशल स्किल ट्रेनिंग के लिए हम ग्रुप थेरेपी भी जो है uh, वो रिकमेंड कर सकते हैं जिसके अंदर हम बच्चे को uh, दूसरे बच्चों के साथ डिफरेंट uh, एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्च करते हैं और वहाँ पर उसको ये सिखाया जाता है कि मेनली टीम में जो काम है वो किस तरह करना है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह बियर करना है और किस तरह कंजीनियल एनवायरनमेंट में काम करना है देन द कंटिनजेंसी मैनेजमेंट प्रोग्राम ये हेल्पफुल होता है पेरेंट्स uh, के लिए किस तरह के हम पेरेंट्स को ए, इस लेवल पे गाइड करते हैं कि बच्चा अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर एग्जिबिट करता है तो आपने मेक श्योर sure करना है कि वो उसके कॉन्सिक्वेंस फ़ेस करें ये नहीं है कि अगर बच्चे ने एक दफ़ा भाई को हिट किया तो एक दफ़ा तो आपने इग्नोर कर दिया लेकिन दूसरी दफ़ा आपने उसे पनिश किया नहीं अगर उसने एक दफ़ा नेगेटिव बिहेवियर शो किया है तो वो वही कॉन्सिक्वेंस फ़ेस करेगा अगर उसने सेकेंड टाइम फिर वही बिहेवियर शो किया तो वो फिर वही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा तो जो डिसिप्लिन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और इनकंसिस्टेंसी जो है uh, वो डिसिप्लिनरी uh, एक्ट्स में से जो है माइनस होनी चाहिए थैंक यू